यह है हमारी पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर पानी और जीवन कहाँ से आया? आज से लगभग 3.9 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी आज की तरह नहीं थी। उस वक्त पूरी पृथ्वी पर बड़े बड़े उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी और पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा था, लगभग 175 डिग्री से 230 डिग्री फारेनहाइट तक। उस वक्त पृथ्वी पर पानी और जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन अंतरिक्ष से जो एस्टेरॉइड्स आ रहे थे उनमें बर्फ के रूप में पानी मौजूद था, जिसने पूरे पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण किया। लेकिन पृथ्वी का वातावरण तब भी जहरीले गैसों से भरा हुआ था। इसके लगभग 2 अरब साल बाद दोबारा उल्का पिंडों की बारिश होने लगी और इस बार ये अपने साथ मिनरल्स, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड भी लेकर आए थे। कई सालों की प्रक्रिया के बाद समुद्र की गहराई में इन्हीं मिनरल और केमिकल ने मिलकर कई सारे बैक्टीरिया का निर्माण किया। ये पहले एक कोशिकीय जीव थे जो प्रकाश संश्लेषण के बाद एक बायो प्रोडक्ट यानी ऑक्सीजन छोड़ते थे। यही से पृथ्वी पे शुरू हुआ जीवन का प्रक्रिया, जो अभी भी चल रहा है। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर।